हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीवी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर बता रही हूँ। ये टॉप लड़कियों के लिए है। ये तो मैंने 2 साल की बच्ची के लिए बनाया, लेकिन आप टीन्स के लिए बनाइए। जितनी बड़ी आपकी बेबी हो, इसकी बुनाई खड़ी खड़ी गई है। बस आपको समझना ये है कि इसकी बुनाई जो है सो खड़ी खड़ी गई है। आप पूरा स्वेटर देख कर भी समझ लेंगे ये खड़ी खड़ी बुनाई है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बुनाई बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ये 9 फंदे से है, हमने 9 फंदे के लिए है ये। और मैं आपको इसकी बुनाई बता देती हूँ कि बिल्कुल ही सिंपल है। ये 4 लाइन की बुनाई है, 2 लाइन आपने यहाँ उल्टी, सीधी में उल्टी और उल्टी में भी उल्टी लिया। उसके बाद फिर जब आपने कलर चेंज किया तो फिर उल्टी बुनाई से कलर चेंज, आपको यहाँ पर उल्टी बुनाई से कलर चेंज करनी है। तो उल्टी में आपने उल्टी लिया और सीधी में, और सीधी में भी उल्टी में उल्टी लिया, फिर सीधी में उल्टी लेनी है। तो इस तरह से आ जाएगा, और फिर सीधी बुनाई और उल्टी बुनाई करनी है, सीधी में सीधी और उल्टी में उल्टी, फिर आपको सीधी में उल्टी बुनाई करनी है। बस यही डिज़ाइन है इसका। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि इस डिज़ाइन के लिए आप 9 फंदे हैं ना, तो 3 फंदे को सिंगल सिंगल लीजिए और 3 को आप डबल कीजिएगा। मैं आपको डबल करने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, हो गया। अब 4th फंदे को आप यूं लीजिए, इस तरह से डबल कीजिए। फिर 5वें फंदे को यूं लीजिए, डबल कीजिए। फिर 6वें फंदे को यूं लीजिए, डबल कीजिए। हो गया। फिर आप 3 फंदे सिंगल बुन जाइए। आपको मैं ये बता दिया, हो गया। यहाँ आपको करना है कि उल्टे में आपको उल्टी बुनाई करनी है पूरी। अभी 2 लाइन आपको उल्टी बुनाई करनी है। एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। अब जब आपने 2 फंदे को इसको एक ही बुनाई करनी है, आप किधर से भी बुनिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप बस जो फिर आपने इस 2 को एक ही करनी है, हो गया। फिर आप 3 बुनाई कर जाइए। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक लाइन में फंदे कैसे बढ़ाए जाते हैं। इसके बाद फिर आप उल्टी बुनाई करेंगे, उल्टी से फिर ऊन जोड़ेंगी, उसे उल्टी बुनाई करेंगे, फिर सीधी में उल्टी करेंगे। इस तरह का ये डिज़ाइन ही है, आप देखकर भी समझ लेंगे। तो आपको मैं ये बता दूं कि उल्टी में इस तरह से एक लाइन में फंदे बढ़ाए जाते हैं। जैसे आपने 9 लिया, अब 18 लीजिए, तो इस तरह से कीजिए। 1, 2 आपके फंदे बढ़ रहे हैं इस तरह से। 3, कहने का मतलब कि यूँ आप फंदे बढ़ा लिए, और बढ़ाने के बाद 4। और अच्छा, इतना ही नहीं, जरूरी नहीं कि 9 फंदे ही लीजिए, आपको जितनी फंदे की आवश्यकता हो। ये हो गया। अब फिर आपको इसमें उल्टी बुनाई आएगी इस तरह से। फिर इसको आप ले लिया जितने फंदे को, उसकी उल्टी बुनाई ऐसे कर डालिए, हो गया। तो आपका फंदा बढ़ गया है इस तरह से। और फिर आप ऊन आप सीधे में जोड़िएगा। अब मैं आपको काम की बात ये बताती हूँ कि देखिए, इस तरह से एक लाइन में हमने यहाँ 9 लिए, 18 लिए, 27 लिया। 27 लेने के बाद एक लाइन में इसको 65 फंदा बढ़ा दिया। तो बेबी के लंबाई के हिसाब से आप लीजिए, उसी हिसाब से आप शरीर बनाइए। थोड़ा सा आपको अपना भी उम्र के हिसाब से दिमाग लगाना होगा, और यहाँ से आप जहाँ से इच्छा हो वहाँ से कटाई कर दीजिए, इसको 2 पार्ट में बांटना। लेकिन इसकी बुनाई खड़ी खड़ी जा रही है, इस चीज़ को मार्क आप कीजिए कि खड़ी खड़ी बुनाई रखनी है। जितने फंदे आप लेती हैं उसी हिसाब से इस लाइन को गुन लीजिएगा फंदे को,
और फिर इस तरह से आप इसकी भी कटाई आपको करनी होगी और इस तरह से इसे भी लेनी होगी। इसे तो आप बराबर लीजिए, यहाँ से आके बढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स मैं समझ, और गला गोल गला है तो गोल गला की कटाई जैसे आप करती हैं उसी तरह से करते जाइए इसको। इधर से आपको घटेगा और इधर से आपको बढ़ेगा, फिर बाजू में भी इसी तरह से होगा। लेकिन ये पार्ट वाइज है, पार्ट वाइज का मतलब कि आगे का पल्ला अलग है और पीछे का भाग अलग है और आगे का भाग अलग है। आगे का भाग अलग बनाइए, पीछे का भाग अलग बनाइए, बाजू जैसे बनाते इस तरह से बनाइए। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, आई थिंक आप समझ गई होंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।